चैप्टर वन इंग्लिश लेसन। चैप्टर वन क्या है? चीयरनेस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर इज़ अ लिटिल मेडन, हु इज शी, डू यू नो, हु ऑलवेज हैज़ अ वेलकम, वेयर शी मे गो, हर फेस इज़ लाइक द मे टाइम, हर वॉइस इज़ लाइक अ बर्ड्स, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक is in her lightsome words, each spot she make the brighter as if she were the sun, and she is sought and cherished and loved by everyone, by old folks and by children, by lofty and by low. Who is the little maiden, does anybody know? You surely must have met her, you certainly can guess. What, must I introduce her? Her name is Cheerness. इस लेसन में क्या बताया है? एक छोटी लड़की के बारे में बताया है जो हमेशा खुश रहती है, और चीयरनेस का मतलब क्या होता है? सभी के द्वारा उसे बहुत प्यार मिलता है, उसे सभी कोई बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। देयर इज अ लिटिल मैडन, एक छोटी लड़की है। कौन है वो, क्या आप जानते हो? हु ऑलवेज हैज़ अ वेलकम, जिसे हम हमेशा वेलकम करते हैं। वेयर शी मे गो, वो कहाँ चली गई है? हर फेस इज़ लाइक द मे टाइम, हमेशा धूप सी खिली खिली रहती है ना, सूरज जैसे खिला खिला दिखता है, वैसे ही जैसे मई में दिखता है, आपको मई के महीने में दिखता है, वैसे उसका फेस भी खिला खिला रहता है। उसकी आवाज़ कैसी है? बर्ड्स के जैसी है। और बर्ड्स कैसे सुनाई देते? जैसे कि बहुत ही मधुर आवाज़ में कोई संगीत बज रहा हो। इज़ इन हर लाइट सम वर्ड्स, उसके जो बोल हैं, उसके जो वर्ड्स हैं, बोलने जैसे वो बोलती है, वह एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देता है। ईच स्पॉट शी मेक द ब्राइटर एज इफ शी वर द सन, वो कहीं पर भी रहती है तो एक चमकदार सूरज की तरह चमकते हुए दिखाई देती है, है ना। एंड शी सॉट एंड चेरिस्ड एंड लव्ड बाय एवरीवन, उसे हर कोई बहुत प्यार करता है, सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओल्ड फोक्स मतलब जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा, चिल्ड्रंस के द्वारा, हर किसी के द्वारा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है। हु इज़ द लिटिल मेडन, सब पूछ रहे हैं कि वो कौन है। डज एनीबडी नो, क्या कोई उसे जानता है? यू श्योरली मस्ट हैव मेट हर, आप कभी उससे मिले होंगे। यू सर्टनली कैन गैस। वॉट, मस्ट आई इंट्रोड्यूस हर, हर नेम इज़ चीयरनेस, उसको क्या वो किस नाम से बुलाया जा रहा है? चीयरनेस, चीयरनेस मतलब बहुत ही खुश रहने वाला व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ना, जो हमेशा स्माइल करता हो और दूसरों को भी स्माइल करवाता हो, उसे देखकर पूरा जो नेचर है वो भी स्माइल करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, चीयरनेस का मतलब क्या होता है? इस लेसन से आपको क्या समझ में आता है? अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, आप दूसरों को भी खुश करते हैं, तो आपसे हर कोई खुश रहेगा, आपके बारे में हर कोई पूछेगा कि आप कौन हो। ओके, थैंक यू। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। मेडन, अ यंग गर्ल और वुमेन, जो छोटी लड़की या औरत होती है उसे मेडन बोलते हैं। स्पॉट मतलब प्लेस, जगह। सॉट मतलब लुक्ड फॉर, सी का पास्ट टेंस क्या हो जाता है? सॉट। लुक्ड फॉर मतलब देखना। चेरिश मतलब लव्ड वेरी मच बाय समवन, किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार करना। फोक्स पीपल इन जनरल, हर व्यक्ति द्वारा। लॉफ्टी वेरी हाई एंड इम्प्रेसिव, हर किसी के द्वारा, है ना, जो हाई एंड लो में बताया गया है, तो ये हाई पर्सन बहुत ही जो हाई और इम्प्रेसिव हो, जैसे कि कोई एकदम अमीर आदमी हो, उसे लॉफ्टी का बताया जा रहा है यहाँ पे। चीयरनेस हैप्पी, शोइंग इट बाय द वे दैट यू बिहेव, ये आपका हैप्पीनेस बता रहा है, खुशी जो आपके द्वारा दिखाई जाती है।